यार आए हो, पूछो क्या हो, जो फंडिंग होती है उसमें भी खदमत पूरे पैर से नुमाया शख्सियत ऑल इंडिया साइमल्टेनियस और अजुक दोह अमे गर्ज की मनाउन जिसको कोई हक होगा के हिसाब से अपने गांव के हिसाब से जिसका कोई हक होगा इंशाल्लाह रहमान वो एक ही इख्तदार है गुलाम नबी आजाद साहब के इख्तदार वो हक वाले को हक देना चाहता हूँ रात मनो सो प्रेत कुनी पार्टी हेडक्वार्टरस पे चाहे जुम कशीर तो आज कर ऐसे इफ्तिता इलेक्शन जो आएंगे जो रिसेंटली होने जा रहे थे तो मैंने सुना कि ये आप पीछे जाएंगे, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी को इलेक्शन पीछे ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दिन है ये, बेसिकली कल था तो आज हमारे ये फाउंडेशन डे स्टार्ट हो गया। पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। कल का दिन जो 26 सितंबर 2022 के दिन ही हमारे कायदे कारवान और पूरे बरसगिर की नुमाइश शख्सियत हम सब गरीबों का रहनुमा जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कल ही दिन अपने पार्टी का ऐलान किया है। और ये जो ये पार्टी है इसका नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। इस वक्त अगर हम इस वक्त लोगों के जुड़ने का ताल्लुक देखते हैं, ये नंबर वन पर है इस वक्त जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में DPAP आउट ऑफ J&K में। मैं सब इनको मुबारकबाद पेश करता हूं आज के इस बाबरकत जो हमारे लिए बाबरकत दिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज का ये फाउंडेशन दिन इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। रखते हुए आप शोपियान के साथ जो इस्तेसाल आज तक हुआ है, आज खुदारा उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए और हमारे शोपियान ज़िले में खुसूसी मुदाखलत करके हमारे शोपियान ज़िले की डेवलपमेंट जो है रोड से चाहे नागवन साइड में मसपोरा की साइड में हो या इधर सदर हिरपोरा हो, छटवट वेल हो या चिड्रन हो, जो पूरा एंटायर जो शोपियान खाना चौनसी है या हमारा शिरमाल हो या कोई भी की गाम तहसील हो या केलर तहसील में जहाँ पर भी जो कोई भी कमी है मैं उस कमी को पूरा करने के लिए इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस कमी को ध्यान देकर उस कमी को लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करके और ध्यान से सुनिए और इनके ऊपर जो अजाला है वो जल्द होना चाहिए। और यही मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे ज़िले शोपियान को जल्द अज जल्द 3 या 4 यूनिट टूरिज़म के मिलने चाहिए।